15 मार्च को चिराग पासवान जी राजभवन मार्च निकालने जा रहे हैं बिहार बचाओ आंदोलन के तौर पे, इस पे आपकी क्या राय है सर? चिराग जी 15 मार्च को राजभवन मार्च बिहार बचाओ आंदोलन के लिए कर रहे हैं, तो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता उनको है, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ ये पहले उनको समझ लेना चाहिए कि राजभवन मार्च करने के पहले सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है। वो अनुमति उन्होंने लिया है। नंबर दो कि किसी भी प्रकार का अब धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए सरकार ने गर्दनीबाग इलाके में स्थल तय कर दिया है। अगर किसी तरह का कोई ग्रीवांस कोई बात किसी पार्टी को रहती है तो वो गर्दनीबाग में ही करते हैं धरना प्रदर्शन और राज्यपाल को जाके अपना ज्ञापन देते हैं। अगर चिराग जी को करना ही है तो अपना जाके उसी प्रक्रिया के तहत वो करें। हू हल्ला हंगामा ये सब अगर करने की कोशिश करेंगे तो सरकार फिर जानते हैं आपके सुशासन बाबू का यहाँ राज है और लाठी चलाने में कितना देर लगता है सरकार को आप जानते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस तरह का काम जो है सोच समझ के विचार से बढ़िया से करें और मुख्यमंत्री के कार्यकलाप से वो खुश ही नहीं है, कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं तो बहुत अपराध बढ़ गया है तो ये है तो वो है। तो क्या नीतीश जी नहीं रहेंगे तो उसके बाद अपराध नहीं होगा? इसकी गारंटी चिराग जी लेंगे? बोलिए, चिराग जी इस बात का गारंटी लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो फिर एक भी क्राइम नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी ही क्राइम करवा रहे हैं क्या? और कौन ऐसा सरकार रहा है जिसमें क्राइम नहीं हुआ है? कोई एक सरकार का नाम बता दें। और हम मुख्यमंत्री के कार्यकाल से खुश नहीं हैं तो उनके कुर्सियों पर आप कब्जा कर लीजिएगा क्या? हैं सर, पूरा पटना पोस्टर से एकदम मैं है। 15 तारीख को एकदम विशाल धरना एकदम इन उठा लिए हैं कि हम राजभवन को घेराव ऐसा करेंगे कि अन्य पार्टियां को भी सोचना पड़ेगा इस पर क्या है। अरे भैया, उनके पास आदमी है कहाँ? ओके, पोस्टर पटना में लगा देना, ये वो कर देना, वो तो लग गया पैसा खर्च करके, लेकिन आदमी अब कहाँ से आवेगा? गवर्नर हाउस में जाने के लिए और डंडा खाने के लिए कौन तैयार होगा? वो 15 तारीख को समझ में आपको आ जाएगा। देख लीजिए 15 तारीख को कि कितना विशाल जनसभा होता है, कि कितने लोग रहते हैं, कि कितनी लाठियाँ बरसती है, ये सब आपको 15 तारीख को समझ में आ जाएगा। पोस्टर दिखाई पड़ने से क्या होगा? पोस्टर पे आदमी का भीड़ नहीं ना खड़ा है कि वो सब उतर करके आ जाएगा? इसलिए देखते रहिए, कानून को जो मुट्ठी में लेंगे उनका व्यवस्था जो है सरकार निपटने के लिए तैयार है। राजभवन क्या, उनको हड़ताली मोड़ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा? कहाँ है यहाँ?